हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। ये जिसे हम कहते हैं पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। सो गाइस, ये जो आपका टॉपिक है बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्कोहल चैप्टर का टॉपिक है। और ये जो आपका पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट है, वो आप लोगों ने, अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसे जरूर पढ़ा है, जब हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो जब मैंने आप लोगों को रीअरेंजमेंट रिएक्शन बताया था, उस समय मैं आप लोगों को ये पिनेकोलोन का जो है वो एग्जांपल दे करके इसे समझाई थी। तो शायद आप लोगों के पास ये नोट्स होगा, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार और बताने जा रही हूँ बीएससी सेकंड ईयर के लिए। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो पिनेकोल का फॉर्मूला, जिसमें OH ग्रुप जो है वो दोनों कार्बन एटम से जो है वो जुड़े हुए हैं, और ये जो बाकी CH3 है वो भी दोनों कार्बन से जो है वो अटैच है। क्या होता है, अगर हम इस पिनेकोल में कोई प्रोटॉन मिला दे या कोई एसिड मिला दे या कोई HCl जो है वो इसमें मिला दे, तो ये जो पिनेकोल है वो विशेष प्रकार के कीटोन, जहाँ पे आप देख रहे हो सी डबल बॉन्ड O, कीटोन में जो है वो चेंज हो जाते हैं, जिससे हम पिनेकोलोन जो है वो कहते हैं। पहले तो जब हम इसमें प्रोटॉन मिलाते हैं तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं, उसके बाद ये पिनेकोलोन में जो है वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसे पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो कहा जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि आखिर इसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्यों कहा जाता है और क्या मतलब होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। तो नाम से ही स्पष्ट है, रीअरेंजमेंट मतलब फिर से अरेंजमेंट होना। तो जैसा कि आप देख रहे हो पिनेकोल के साथ जो है वो CH3 इस प्रकार से जो है वो कार्बन के एटम के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ये जो CH3 है जो कि कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपना जगह चेंज कर देते हैं, मतलब अपना स्थान जो है वो चेंज कर देते हैं। ये जो CH3 पहले इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, वो किसी और कार्बन के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं, मतलब अपने आप को ये फिर से अरेंजमेंट करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं ये, क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी को जो है वो प्राप्त करने के लिए ऐसा इसमें जो है वो किया जाता है। इसी सब कारणों की वजह से इसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो कहा जाता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब ही होता है कि अपने आप को फिर से अरेंजमेंट करना, और अपने आप को फिर से अरेंज करके अपना जो है वो स्थायित्व या जो स्टेबिलिटी है उसे जो है वो प्राप्त करना। कहने का मतलब है इसमें कोई भी जो ग्रुप रहता है वो अपने जगह से हट करके दूसरे जगह पे आकर के जो है वो जुड़ जाता है। तो यही सारा मैकेनिज्म आज हम 4 स्टेप में जो है वो इसे समझने वाले हैं कि कैसे इसमें जब हम प्रोटॉन मिलाते हैं तो ये पिनेकोल जो है वो पिनेकोलोन में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे आप मैकेनिज्म देख रहे हो स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या कहा जा रहा है, पिनेकोल का प्रोटीनीकरण, मतलब इसमें हमको क्या करना है, प्रोटॉन जो है वो ऐड करना है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पिनेकोल का फॉर्मूला, ये जो पिनेकोल का फॉर्मूला है C, जिसमें 2 OH ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं, जब हम इसमें कोई प्रोटॉन जो है वो ऐड कर देते हैं H+, तो ये क्या होता है गाइस, ये जो प्रोटॉन है वो इस OH के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं, इस OH के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं, और यहाँ पे आपका प्रोटोनेटेड डाईऑल जो है वो बन जाता है। मतलब ये जो H है यहाँ पे जब आकर के जुड़ते हैं तो ये OH2 हो जाता है, और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रोटॉन है जब वो इस OH के साथ जुड़ जाते हैं तो पिनेकोल का जो है वो प्रोटोनीकरण जो है वो हो जाता है। उसके बाद जो हमारा बनता है यहाँ पे कंपाउंड, उसे हम प्रोटोनेटेड डाईऑल कहते हैं। तो ये हुआ आपका स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हुआ, प्रोटॉन OH के साथ जुड़ गया और हमारे पास OH2 जो है वो प्राप्त हो गया। तो ये आपको स्टेप 1 में जो है वो लिखना है। मतलब 4 स्टेप में, ये जो 4 स्टेप हम यहाँ पे देखने वाले हैं, उसमें पिनेकोल से कैसे वो पिनेकोलोन बनता है उसी के बारे में हम 4 स्टेप जो है वो पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप तो आप लोगों को समझ में आ ही गया कि कैसे प्रोटोनेटेड डाईऑल का जो है वो फॉर्मेशन हुआ, H+ को हम लोगों ने OH के साथ जो है वो जोड़ दिया। अब हम आगे का स्टेप जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं हम सेकंड स्टेप के ऊपर। इस स्टेप में प्रोटीनीकृत डाईऑल से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो निकलता है और कार्बोनियम आयन जो है वो बनता है। पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वो H जो है वो इस OH के साथ आकर के जुड़ के यहाँ पे OH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो है वो बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप में ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है, मतलब OH2 है, मतलब H2O, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब -H2O हो जाता है। तो जब ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलते हैं, जो कि कार्बन के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए वाटर के रूप में यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। जब ये वाटर के रूप में यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमें कार्बोनियम आयन, यहाँ पे आप देख रहे हो सी के ऊपर जो है वो प्लस चार्ज आ गया है, तो ये जो कार्बोनियम आयन है हमें प्राप्त हो जाता है।
जिसमें आप देख रहे हो सी के साथ, सी के पास जो है वो प्लस चार्ज जो है वो लगा हुआ है। तो सेकेंड स्टेप में आप लोगों को लिखना है कि यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं। ये तो आपका सेकेंड स्टेप। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में कार्बोनियम आयन 1-2 स्थापन 1-2 शिफ्ट द्वारा रीअरेंजमेंट होकर प्रोटीनीकृत कीटोन जो है वो देता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे मेन आप समझेंगे कि आखिर ये जो रीअरेंजमेंट है वो क्यों हो रहा है और क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो CH3 है वो इस कार्बन के साथ आकर के जो है वो जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इसमें 1-2 शिफ्ट होता है तो ये जो CH3 है वो इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाते हैं और ये वाले कार्बन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो CH3 है वो इस कार्बन के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे, जिसे 1-2 शिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है वो रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो C+ है वो उतने स्टेबल नहीं है, तो इन्हें लगता है कि अगर ये CH3 जो ग्रुप है जो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर ये यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे तो हम ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। ऐसा इसे हम 1-2 शिफ्ट भी कहते हैं। तो जब ये 1-2 शिफ्ट होता है, ये जब CH3 बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं, तो हमें इस प्रकार की संरचना जो है वो प्राप्त होती है, जिसे हम प्रोटोनेटेड कीटोन कहते हैं। कीटोन इसलिए यहाँ पे देख रहे हो, जब ये जो CH3 है वो इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ते हैं तो ये वाले कार्बन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये जो आपका जो OH जो है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो इस कार्बन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो बना लेते हैं। डबल बॉन्ड जैसे ही बनता है तो इस प्रकार का प्रोटोनेटेड कीटोन जो है वो आपका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसे 1-2 शिफ्ट कहा जाता है। पूरे रिएक्शन में आप लोगों का यही मेन इम्पोर्टेंट है, यहीं पे आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है और इसी चीज को आप लोगों को अच्छे से याद करना है और अच्छे से लिखना है। बस आपका यहाँ पे 1-2 शिफ्ट होगा और ये जो CH3 है वो इस तरफ कार्बन में आकर के आप देख रहे हो CH3 जो है वो जुड़ जाते हैं और आपका C के साथ जो OH जो जुड़ा जो OH जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो है वो बना लेते हैं। इसे ही हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो कहते हैं और हमारे पास प्रोटोनेटेड कीटोन जो है वो प्राप्त होता है। उसके बाद हम स्टेप नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटीनीकृत कीटोन से प्रोटॉन निकल जाता है और एक कीटोन पिनेकोलोन जो है वो बन जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप ये जो H है वो इस O के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो लास्ट स्टेप में ये जो आपका प्रोटॉन है वो इस O से जो है वो अलग निकल जाता है। मींस ये जो आपका O के साथ जो बॉन्ड बनाए हुए हैं वो यहाँ से जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो ये जो प्रोटोनेटेड कीटोन है वो पिनेकोलोन में जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप O के साथ कोई भी H बॉन्ड जो है वो यहाँ पे नहीं बना हुआ है और C=O कीटोन टाइप से यहाँ पे संरचना जो है वो यहाँ पे आपकी बन जाती है। तो ये हुआ गाइस चारों स्टेप, जिसमें हम लोगों ने एक एक करके देखा कि कैसे ये पिनेकोल जो है वो पिनेकोल में जो है वो परिवर्तित होते हैं, यहाँ से जो है वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं जब हम इसमें प्रोटॉन मिलाते हैं और लास्ट में हमारा क्या होता है -H+, मतलब H+ जो प्रोटॉन है वो जो है वो यहाँ से माइनस हो जाता है और C=O कीटोन पिनेकोलोन जो है वो यहाँ पे बन जाता है। तो ये चारों स्टेप को आपको याद करना है कि कैसे पिनेकोल से पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट हुआ। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा जो थर्ड स्टेप है जो रीअरेंजमेंट का, उसे आप लोगों को अच्छे से समझना है कि वहाँ पे रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है और कैसे जो CH3 ग्रुप है वो दूसरे कार्बन के साथ आकर के जो है वो अटैच हो जाते हैं। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। थैंक